नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कर सकते हैं तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे ही लोग सम्मान, फिर क्या फायदा है? जब हम खुद ही अपने घर पे सजग नहीं है, हम खुद एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो फिर बाहर में क्या जुड़ेंगे, बाहर में क्या करेंगे? तो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और मैं जावेद साहब आपसे पूछता हूँ, सुनील जी तुफैल साहब आपसे भी, अगर इस तरह का कहीं भी हो रहा है तो बिना पूछे मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, उसको अलग की जरूरत निकालिए, क्योंकि जरूरत नहीं है। जब हम अपने घर पे हम एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाला कैसे सम्मान, क्या मैडम बाहर वाला सम्मान करेगा किसी को? तो फिर तो ऐसे लोगों से आपको जैसे भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि नहीं ये आदमी हम सम्मान नहीं करता तो खत्म जी, नहीं चाहिए वैसे लोग, नहीं चाहिए। तो यही सब है, बाकी आप खुद आप लोग अनुभवी हैं, आप खुद इतना अच्छा से लेके चल रहे हैं। और कोशिश कीजिए एक दो बार तीन बार समझाने को, जो आदमी है हो सकता है कि दूसरी दिशा पकड़ लिया हो, दूसरा दिशा चल रहा है, कोशिश कीजिए उसको समझाइए। और जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के डेट में पश्चिम चंपारण में मुझे नहीं लगता कि कोई जिला है जो कोई प्रखंड बाकी है जहां पे आप लोग का और एक आदमी के डायरेक्टर सभी मफसल साहब और उस स्कूल के सभी शिक्षकगण और यहां उपस्थित स्कूल के सभी छात्र और छात्राएं, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए चंद बातें रखता हूं। मैं 11 बजे से करीब आप सभी बच्चों का कार्यक्रम देख रहा था और बड़ी खुशी हुई। ये जो स्कूल है यहां का माहौल, समारोह में उपस्थित हमारे फखरुल साहब, परवेज साहब, विद्वान रियाजी जी, महताब राय साहब जो मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर ओसवाल्ड आल्फ्रेड, ओसवाल्ड आनंद, दीपू सिंह दीपक तथा तमाम हमारे सम्मानित अतिथि जो मंच पर बैठे हैं, पीएल इंटरनेशनल के सभी शिक्षकगण, यहां उपस्थित बच्चे और बच्चियां, आज आपके प्यार और अखलाक ने मुझे यहां खींच के लाया है। मैं मोटरसाइकिल से दौड़ा हुआ आया हूं क्योंकि तुफैल और जावेद का इतना बार फोन आया कि आप जल्दी आइए जल्दी आइए। गाड़ी से मैं आ नहीं सकता था क्योंकि यहां आने में कम से कम डेढ़ घंटा समय लगता, जाने में डेढ़ घंटा समय लगता, व्यस्त था मरीजों के बीच, फिर भी मैंने मरीजों से माफी मांगी और मैं मोटरसाइकिल से भागा हुआ आपके इस समारोह में आया हूं। बहुत बहुत बधाई आप सभी शिक्षकों को इस पीएल इंटरनेशनल कॉलेज के।